मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे, दो बात जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पैटर्न रहे उनकी पांचवी बरसी बना रहे हैं हम। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, याद करो वो दिन 28 जुलाई 1999 जब यह रियासत खून से लथपथ थी। इस रियासत के अंदर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और इस रियासत के अंदर आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं थी। जो भी आदमी बात अपने हक की बात रखता था, चाहे वो मुलाजम था, चाहे वो किसान था, चाहे वो नौजवान था, चाहे वो ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो बिजनेसमैन था, जो भी अपने हक की बात करता था 1999 में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी और उनको जेलों में बंद किया जाता था। लेकिन जब मुफ्ती साहब ने यह पार्टी बनाई, उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर ये वो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हुकूमत बनाई। वजीसी साहब प्लीज वेलकम टू दिस। और आज जब ये 2002 में हुकूमत बनी, आप याद करिए, आज भारतीय पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने गवर्नमेंट दी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जब 2002 में हुकूमत बनाई, चीफ मिनिस्टर बने, ये आरईटी टीचर किसने लगाए थे? ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लगाए थे। आज जो हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, जिनको आज इस भाजपा बीजेपी की सरकार ने, उनका जो ठेकेदारी लेते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, जिसको खत्म किया, ये किसने बनाए थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाए थे। आज किसान सड़कों पे है, जो बीजेपी कहती थी हम किसानों के हमदर्द हैं, आज वो दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान सड़कों पे है। क्या हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के किसानों को बासमती का वो रेट मिल रहा है? क्या फ्रूट्स के वो रेट मिल रहे हैं? सेब का रेट मिल रहा है? नहीं, आज किसानों के हक दबाए जा रहे हैं। आज आप देखें इस रियासत के अंदर भाजपा पार्टी के लीडर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बजरी का ट्रक 1600 रुपए के था, वो टिप्पर आज 6-6 हजार, 8-8 हजार, 16-16 हजार के टिप्पर मिल रहे हैं। वो बीजेपी वाला, क्या इसी महंगाई को बढ़ाने के लिए आपको सरकार आपके हाथ में दी थी? कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।